हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जी टेन क्लासेस। तो जी टेन क्लासेस के अंडर हम लोग एक बड़ी सी यूनिट क्लास 12 की मैथमेटिक्स का कैलकुलस कवर कर रहे थे। कैलकुलस में कवर करते करते हम लोग काफी आगे निकल के आ चुके हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि आधा पोर्शन ऑफ कैलकुलस कवर करता है, उसके एंड पे पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक और बचता है, उसके बाद हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। तो आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट टू कंप्लीट करेंगे। पार्ट टू बोल लीजिए या पार्ट फाइनल बोल लीजिए, बिकॉज इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में अगर हम लोग देखें, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एल्जेब्रिक रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे किया जाता है, इंटरवल्स कैसे निकाले जाते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव आएगा कहाँ पे नेगेटिव आएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब हम लोगों ने देखा था मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन क्या था कि वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो या तो इंक्रीजिंग होगा, या तो मतलब इंटरवल छोड़िए, वो अपने डोमेन में या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। अब अगर कोई एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जो कि थोड़े से इंटरवल में इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, जैसे कि साइन एक्स होता है, तो अगर वो बोल दिया जाए और आपको फंक्शन दे दिया जाए और बोला जाए कि पता करो कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा, तो बेसिकली क्वेश्चंस यही आते हैं कि आपको फंक्शन दिया जाता है और यू हैव टू फाइंड कि फंक्शन जो है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, फिर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा फिर उस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है, एक थ्योरम डिफाइन की गई है कि इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल, आप साथ साथ लिखते जाइएगा तो आपका टाइम भी बचेगा, एंड इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन इफ देन अच्छा ऐसे छोड़िए, देन एफ एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन ए कॉमा बी, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। मतलब जिस इंटरवल में आप बोलेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, उस इंटरवल के हर एक वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए कॉमा बी अगर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 नेगेटिव आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। तो कुल मिला के आपको करना क्या, ये समझ में आया कि एक फंक्शन दिया रहेगा, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके के बाद देखना है किस इंटरवल में वो ग्रेटर देन 0 आएगा किस इंटरवल में वो लेस देन 0 आएगा। वहां से हम बता सकते हैं कि फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। इतनी सी मतलब इतने बड़े कहानी में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल को साइड में रखते हैं, वो तो होता ही है, जनरली क्वेश्चन में होता ही है। इंक्रीजिंग होगा अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, भाई भाई पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, ऐसे याद कर सकते हैं कि पॉजिटिव है कोई चीज तो वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो इंक्रीजिंग होगी ही होगी, और अगर नेगेटिव है तो वो नीचे घटेगी ही घटेगी तो डिक्रीजिंग है। तो ये हो गया। अब अगर ये ना बोला जाए कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल अगर ये भी बोल दिया जाए कि एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन एन इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब कुछ ये भी बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन एन इंटरवल, एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको ए कॉमा बी इंटरवल में आपने डिफाइन कर दिया है, तब भी ये कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू होगी कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और डिक्रीजिंग होगा तो अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो सिंपल सी बात हो गई कि फंक्शन दिया रहेगा आपको उठा के, फंक्शन
चेक करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, इतना क्लियर है कि कैसे पता करना है, मतलब एल्गोरिदम पता है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिदम, अच्छा एल्गोरिदम देखें क्यों, अच्छा आपको एल्गोरिदम बताने की तो कोई जरूरत हमको लगती नहीं है। वाई, बिकॉज हम लोगों को फंक्शन में क्या दिया रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री दिया रहेगा, पॉलिनोमियल दिया रहेगा, लॉग दिया रहेगा, एक्सपोनेंशियल दिया रहेगा, डिफरेंशिएशन आपको आता है ये सब चीजों का। उसके बाद रही बात आती है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम लोगों ने पार्ट वन में भी देखा है। अलॉन्ग विद दैट हमारे चैनल पे लीनियर इनइक्वालिटीज यूजिंग रियल लाइन मेथड भी अपलोड किया गया है, वहां पे तो हम लोगों ने पूरा ही कवर कर दिया है। फिर भी अगर एक शॉर्ट में हम लोग एल्गोरिदम देखें तो हमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप हमें फंक्शन दिया रहेगा, हमें एफ डैश एक्स निकालना है। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखना है। थर्ड स्टेप फाइंड वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स, वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स कैसे निकलेगी, जब हम एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो वहां से हम लोगों को एक्स की बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। सारा कुछ प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुका है। जब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे फिर हम लोग प्लॉट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को कहाँ पे, ऑन रियल लाइन, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद चेक दी साइन ऑफ ईच फैक्टर इन एवरी इंटरवल। अच्छा एक चीज और, हाँ जब एफ डैश एक्स निकाल रहे थे तो फिर एंड देन उसको हमें फैक्टराइज भी करना पड़ेगा। खैर फैक्टराइज किए बिना आप एक्स की वैल्यू निकाल भी नहीं पाएंगे। फैक्टराइज करने से फायदा ये होगा कि फिर हम लोग हर फैक्टर का साइन जो है हर इंटरवल में चेक कर लेंगे। तो आप लोग पहले इसका इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देख समझा जाए, जब तक आप लोग लिख रहे हैं तब तक हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन दिया रहेगा। सबसे पहले फैक्टराइज मत करिएगा, पहले फैक्टराइज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका कोई काम तो होना नहीं है। सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, उसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा, और लीनियर फैक्टर्स होंगे तब तो बहुत अच्छा ही होगा, लीनियरली फैक्टराइज कर लीजिए। लीनियर फैक्टर खैर तब होगा जब पॉलिनोमियल होगा, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तब तो ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आपको क्या करना होगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे। और रियल लाइन पे प्लॉट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि कैसे क्या क्या साइन आ रहा है। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक मिनट में बुक में रिकमेंड कर लूं, 2x³ + 9x² + 12x + 20। कुछ नहीं दिया है, बस एक फंक्शन दिया है और लिखा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब क्या बात है कि भैया इंटरवल ही नहीं दिया, मतलब सिर्फ फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, मतलब हम पूरी रियल लाइन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकाला क्या आएगा, 6x² + 18x + 12। अगर आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप डिफरेंशिएशन चैप्टर कवर करिए, हमारे ही चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं, और उसको देखने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, देख सकते हैं। अरे ये होगा, ये आ गया आपका पहला स्टेप हो गया कि हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, उसको फैक्टराइज कर दिया। अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू -2, प्लॉट कर दीजिए रियल लाइन पे। अब देखिए इक्वल टू 0 है लेकिन हमें चेक क्या करना है, ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0 है, तो हम लोग जो प्लॉट करेंगे वो ओपन इंटरवल में करेंगे। -2 -1 कर दिया हम लोगों ने। फिर क्या करना है, चेक द साइन ऑफ ईच फैक्टर इन एवरी इंटरवल।
दोनों फैक्टर लिख लिए जैसे हम लोग कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। एक्स प्लस वन इधर क्या होगा, माइनस वन से बड़ी वैल्यू टिल इंफिनिटी, कुछ भी आप वैल्यू लीजिए, एक्स प्लस वन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। माइनस वन से माइनस टू के बीच में क्या होगा, कुछ भी आप ले लीजिए, माइनस वन पॉइंट फाइव ले लेते हैं, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। एक्स प्लस टू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ से माइनस टू से कम वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। ओवरऑल हमें क्या, हमारा क्या है कि फंक्शन हमें देखिए एफ डैश एक्स, देखिए एफ डैश एक्स के लिए ही प्लॉट कर रहे हैं दो, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फंक्शन जो है एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे है, जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दैट इज माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक, और फिर यूनियन माइनस वन से इंफिनिटी तक, यही होगा। और फंक्शन मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर डिक्रीजिंग की बात किया जाए तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल माइनस टू टू माइनस वन, और यहाँ पे फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इतना आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा कि अगर आपको पूछा जाए कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो आप लोग सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू जीरो रखा, इक्वल टू जीरो रखने के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद हर एक फैक्टर का साइन देखा, फिर ओवरऑल एफ डैश एक्स का साइन देखा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो देख लिया कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, जहां पे ग्रेटर दैन जीरो आ रहा था वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, और जहां पे लेस दैन जीरो आ रहा था वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, दैट इज इट। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन, गिवन फंक्शन है, वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग होगा। तो ये तो था आपका कि अगर पॉलिनोमियल दिया है तो पॉलिनोमियल का तो डिफ्रेंसिएशन काफी ईजी होता है। अब अगर हम लोग देख लें कि कुछ एक मतलब लॉग वगैरह देख लेते हैं, अगर आपका क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा एक चीज और, हमने साइन भले ही एफ डैश एक्स का निकाला है लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसका निकाला है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का निकाला है, ये नहीं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एफ डैश एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स का निकालना है, मतलब जिसका भी आपको पता करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसका डेरिवेटिव से आप टेस्ट करेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं है, ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स क्या आएगा, लॉग एक्स की पावर जीरो सॉरी स्क्वायर एक्स का वन हो गया माइनस एक्स और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो गया, कुल मिला के हो गया गया लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का एक स्टेप था ना कि फैक्टराइज करना, तो यहाँ पे हम फैक्टराइज क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ फैक्टराइज करने की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें सिंपली चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग हम चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सारे स्टेप चले गए कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है नहीं निकालना है, ऐसे भी मतलब क्रिटिकल पॉइंट दो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं लेकिन कोई मतलब फालतू का काम है, अगर ऐसे भी आप चेक करें कि इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज कि लॉग एक्स माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये तो स्क्वायर है ही, तो क्या हो गया कि लॉग एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन वन, कुछ ऐसा होगा। अब log x जो है वो ग्रेटर देन वन कब होगा, log अच्छा ये जो log है ना वो एट बेस e दिया है, ln है ये, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन e टू द पावर वन, कुछ ऐसा होगा। तो x की वैल्यू जब भी हमारी e से ज्यादा होगी तब हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज इंक्रीजिंग के लिए x जो है वो बिलोंग करेगा e से लेके कहीं तक भी, E till infinity. अगर यही चीज अब आपसे पूछा जाए कि फंक्शन हमारा जो है वो डिक्रीजिंग कब है, तो डिक्रीजिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को लेस दैन जीरो रखेंगे, मतलब कुछ ऐसा, फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस दैन जीरो, ठीक है, मतलब लॉग एक्स माइनस वन मस्ट बी लेस दैन जीरो,
log x must be less than 1, x must be less than e to the power 1. That is कि decreasing के लिए कहां से कहां तक, minus infinity से लेके e तक, ठीक है, मतलब decreasing कहां से, minus infinity से लेके e तक decrease करेगा function और e से लेके infinity के में increase करेगा function. कौन function? fx, increasing decreasing. So this was all about increasing and decreasing functions. दो क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया, कि मैं log भी ले लिया, मतलब एक critical point निकाल के भी solve कर लिया, बिना critical point निकाले भी solve कर लिया. तो एल्गोरिदम बहुत सिंपल है, कि आपको जो भी करना था एल्गोरिदम मेंशन कर ही दी गई थी, आपने लिख भी ली होगी उम्मीद करते हैं, ये दो क्वेश्चन भी कर लिया होगा. तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम लोग स्विच करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पे. मैक्सिमा एंड मिनिमा में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बहुत एक अहम रोल होता है. तो उम्मीद ये करेंगे हम आपसे जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे मिले कि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन. नहीं पसंद आती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हमारी गलतियां हैं, हम लोग उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे. आराम से पढ़ते रहिए, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, इसकी कोई इसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं. टिल देन आप लोग वीडियोज को देखते रहिए और हमें रिकमेंड करते रहिए कि आपको क्या चीजों की जरूरत है, हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्रोवाइड कराएंगे. उस तब तक के लिए क्वेश्चन करिए, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में. टाटा.